हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ अभी तिलक नगर में, अपनी सिस्टर के ऑफिस आई थी किसी काम से, तो दोनों हाथों पे मेहंदी लगवा रही हूँ अभी मैं। तो भी ये मुझे लेकर के आई है मैकडी में। मेहंदी मेरी, तो ये मेरे हाथों की मेहंदी, रुको ले रही हूँ दोनों हाथों में। अंजू ने लगा आधा किलो पनीर, वो एक पाव पनीर ले लिया ना। पनीर के पैसे। और ये मम्मी के लिए आज सूट कैसा लग रहा है देखते हैं खोल के। अच्छा नहीं लगा तुम्हें? सिलवा लेना, अच्छा लग रहा है। ये चुन्नी है, तुम सिंपल ही तो चुन्नी ओढ़ती हो। मेहंदी जो है पूरी तरीके से देखो अच्छे से छूट चुकी है, और बताओ आप लोग मुझे कैसी लग रही है, प्यारी लग रही है, कैसी लग रही है। देखो इसमें भी मैंने लगवाई है, इसमें सिंपल लगवाई है मैंने, और इस वाली में मैंने जो है। तो मैं बैठी हुई अब ऑयलिंग करने के लिए, अपने बालों में बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई रफ रफ से लग रहे हैं। तो मैंने आज व्लॉग डाला था, मैं आज मिली वो जो पूजा दीदी हैं, पूजा शर्मा नाम है उनका, मुंबई में रहती हैं, इतने अच्छे नेचर की हैं, इतने अच्छे नेचर की हैं, मतलब जितनी तारीफ करो उनकी उतनी कम है। क्योंकि मैंने उनकी अभी तक जो वीडियो देखी थी, मगर उनका रियल में भी इतना ही अच्छा नेचर है, इतनी स्वीट है, इतनी स्वीट है। स्पेशली खुद वो अपनी उतर के आई कार से, मैं पैसिफिक मॉल गई थी, स्पेशली उतर के आई सबके साथ। इतने प्यारे तरीके से उन्होंने फोटोशूट वगैरह करवाया, अपना वीडियोज़ बनवाई, जिसने जैसा कहा वैसा करा, मतलब उनकी जितनी तारीफ़ करी जाए ना उतनी तारीफ उनकी कम है। बहुत ही अच्छा नेचर है किसी का ही। इंसानों का मतलब लोगों का क्या होता है, हल्के से फेमस हो गए तो थोड़ा हो जाता है, ऊपर नीचे सबको हो जाता है, बट उनका नेचर इतना अच्छा है, मतलब मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ ना उतना ही कम है। बहुत ही प्यारी हैं वो। तो आज तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने आज पूरे दिन आप लोगों को बस मेहंदी दिखाई है, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के यहाँ पे गई थी किसी काम से, तो उसने बोला मेहंदी लगवानी है तो लगवा ले, तो मैंने एक के बदले दोनों हाथों पे लगवा ली और प्यारा सा नाम भी लिखवाया है। और इसलिए, और मैंने काफ़ी टाइम बाद जो है बाहर से मेहंदी लगवाई, वरना मैं घर में ही कलाकारी कर लेती हूँ अपने हाथों पर। बहुत ही कम चांस होता है कि मैं बाहर से मेहंदी लगवाती हूँ, बट मैंने लगवाई है तो बहुत ही ना एक अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो हाथ इतने प्यारे लग रहे हैं, ऊपर से जो बाहर से अगर हम लोग मेहंदी लगवाते हैं ना उसका एक कलर ही अलग आता है, तो इतना प्यारा कलर आ रहा है मेरा, तो ये भी मन नहीं कर रहा कि मैं कुछ काम करूँ। ये देखो ये इस वाले हैंड की, और दूसरे वाले हैंड की भी दिखाती हूँ। ये देखो ये दूसरे वाले हाथ में मैंने खाली बेल लगवाई है, सिंपल सी, मगर मेरा कुछ मन नहीं कर रहा कि मैं कुछ भी काम करूँ ताकि मेरे हाथ की मेहंदी ना छूटे। चंपी हो चुकी है, अच्छे से बालों में ऑयलिंग कर ली है। बचपन से मेरी आदत है, तीन तीन चार चार महीने मुझे हो जाते हैं बिना बालों में ऑयलिंग करे। बचपन में मेरी ताई जी बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करती थी, वही करती थी, बट अब मैं नहीं करवाती हूँ। तीन तीन चार चार महीने हो जाते हैं बट मेरे बालों में तेल नहीं लगता है। जब बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि हाँ बंजर ज़मीन हो गई है, काफ़ी दिन से बारिश नहीं आई, तब जाके मैं अपनी जो ऑयलिंग कर लेती हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, पुराने हैं लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।